बोल रहे हैं। अज थोड़े वास्ते 138 गज की कोठी लेके आया, बहुत ही प्राइम लोकेशन दे विच हैगी 138 गज की कोठी। सब तो अच्छी गल ये हैगी है पॉश एरिया दे विच हैगी है और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, प्रॉपर रहायश हैगी। तो अगर तुसी देखोगे सारे घर बने हुए हैं, वाटर सीवरेज कनैक्शन भी पिया होया दोस्तों। तो कोठी का तुसी फ्रंट एलिवेशन देख सकते हो, बहुत अच्छा काम होया और प्रॉपर बाहर भी टाइलिंग्स लगी हुई हैं। एक गड्डी थोड़ी इस जगह पर खड़ जाती जिथे आ कार खड़ी है और इत्थे बड़ी एक बड़ी कार खड़ती है। आ प्रॉपर गार्डन जोन एरिया दिता हुआ है और अगर दिखावा तो प्रॉपर रहायश हैगी है, सारी कार बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सीगा कोठी का फ्रंट एलिवेशन। हुण कोठी आप अंदर चल के देखते हैं। आ गया अपना मेन गेट आ गया और जिवें आप अंदर एंटर करते हैं दोस्तों, इत्थे प्रॉपर ग्रेनाइट लग्या होया और इत्थे थोड़ी दो तीन टू व्हीलरस ईजली लग जाते हैं। आ वाटर स्टोरेज टैंक भी दिता हुआ दोस्तों। उस तो अलावा प्रॉपर जिहड़ा हैगा गार्डन बनया होया मेनटेन हैगा। और सब तो अच्छी गल हैगी है कि आमने सामने घर नहीं हैगा क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन हैगी है और आमने सामने घर ना होने के कारण थोड़ी कार एक इस जगह पर आराम नाल खड़ूगी दोस्तों। दोस्तों हुण आपां अंदर चल के देखते इस कोठी नूं। ये आ गया अपने सिलेंडर की ऑप्शन आ गई। आ भी प्रॉपर उपर तक जिहड़ी हैगी टाइलिंग्स की हुई हैं दोस्तों। आ भी प्रॉपर टाइलिंग्स की हुई है। 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे हैगे हैं और कोठी बहुत ही अच्छी बनी है। डबल मोल्डिंग हैगी है, मार्बल लग्या होया और हैवी स्टील पाइप्स लगी हुई है दोस्तों। दोस्तों प्रॉपर जिहड़े हैगे 8 फुट के सारे स्टैंडर्ड दरवाजे हैगे हैं। जिवें आप अंदर एंटर करते हैं आ सामने आ जाता LED पैनल। LED पैनल तुसी देख सकते हो बहुत प्यारा बनया। सब तो पहले मैं थोड़ा ड्राइंग रूम दिखाना। आ जाती अपनी ड्राइंग रूम की लुक दोस्तों। L-shape U-shape के आराम नाल सोफा लग जाता है और आप प्रॉपर डिजाइनिंग की हुई तुसी देख सकते हो। लाइटिंग्स बहुत प्यारी लग रही है, उपर झूमर भी लग्या होया है और L-shape च विंडो हैगी, प्रॉपर सनलाइट आ रही हैगी दोस्तों। इतों की तुम अगर व्यू देखोगे बहुत प्यारा व्यू हैगा, गार्डन है, आमने सामने घर नहीं है, प्रॉपर पार्किंग जोन एरिया बनता है। तो दोस्तों वो आ जाता है आ पार्टीशन आ जाता है, पार्टीशन नाल बहुत प्यारा लग रहा है और जिते चेयर पई है इतने थोड़ा 6-seater डाइनिंग टेबल आ जाता है दोस्तों। साइड पर भी तुम अपना समान रख सकते हो क्रॉकरी का और LED पैनल आ गया और उपर भी जोड़ा है वुडन वर्क होया हुआ दोस्तों। आ किचन आ जाती है, प्रॉपर मॉडलर किचन हैगी है, बॉक्सिस के बीच भी लाइट्स हैगी। नीचे तुसी अगर देखोगे ब्राउन शेड के बीच किचन है, बहुत प्यारी बनी हुई है और बहुत प्यारी लुक आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस जगह पर भी बॉक्स दिता हुआ एक एक्स्ट्रा और ये लाइटिंग्स भी दी हुई है अगर तुसी देखोगे। और इस तों अलावा एक क्रॉकरी रखन का जिहड़ा हैगा आप भी बनाया हुआ है अगर तुसी इहदे विच अपना समान होर यूटिलाइज कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों सारी मॉडलर किचन हैगी है और गैस सिलेंडर की ऑप्शन दिती है, एक्वागार्ड की ऑप्शन दिती हुई है, प्रॉपर मॉडलर ट्रेज लगेगी और गीजर की ऑप्शन दिती हुई है, ऊपर हैंगिंग लाइट हैगी है, तुसी देख सकते हो। हुण आपां चलते हैं पहले रूम के विच। आ पहला रूम आ गया, सेम उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, पिछे भी तुसी देखोगे वॉलपेपर सारा लग्या होया। अटैच वॉशरूम आ गया, वॉशरूम साइज भी काफ़ी खुला है, टॉप तक टाइलिंग्स हुई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों सेम उपर कपबोर्ड्स बहुत अच्छी बनी हुई है, सेम मैचिंग हैगी LED पैनल के नाल। सैनिटरी फिटिंग जिहड़ी हैगी मौके पर होगी। अगर मैं इस स्लाइडर कपबोर्ड्स नूं पुश करदा तां तुसी देखोगे अंदर भी लाइट्स जिहड़ी हैगी प्रोविजन दिती हुई है LED लाइट्स की। और ये आ गया अपना LED पैनल और ये भी मार्बल लगाया, नीचे टाइल नहीं लगाई और मार्बल के पीछे एक डिजाइनिंग की हुई है, कम बहुत हैवी किया हुआ है दोस्तों। तो सामने तुसी देखोगे दोस्तों ड्रेसिंग की ऑप्शन आ गई, नीचे दो बॉक्सिस दिते हुए हैं। हुण दोस्तों आप चलते हैं सैकेंड रूम के विच। आ सैकेंड रूम आ गया, सैकेंड रूम की फॉल सीलिंग बहुत प्यारी है, बहुत वधिया डिजाइन दिता है, पिछे वॉलपेपर आ जाता है। पहला वॉशरूम दिखा दिंदा, आ वॉशरूम हैगा दोस्तों, सेम उपर तक टाइलिंग की हुई है,
और सैनेटरी फिटिंग जी है मौके पर होगी। ये भी जेकर तुम फ्लोर देखोगे सारा मार्बल दिता हो और सेम तुसी दोस्तों देख सकते हो प्रॉपर कोठी बनी हुई है 125 सेक्टर दे विच है, बहुत अच्छी लोकेशन दे विच है। सेम बॉक्सिस आ जाते हैं और ड्रेसिंग की ऑप्शन दिती हुई है। तो दोस्तों आ पिछला बेड़ा आ जाता है, पिछले बेड़े च भी प्रॉपर टाइलिंग हुई हुई है, सारा ओपन हैगा और ये वॉशिंग एरिया आ जाता दोस्तों। तो दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश होंगी कि लाइव वीडियोज़ बनावा थोड़े वास्ते, बेस्ट टू बेस्ट चीज़ जी है लेके आवा दोस्तों। हुण मैं थोनों फस्ट फ्लोर दिखा दिंदा, ये आ गई अपनी ड्राइंग रूम स्पेस, ये आ गई अपनी मॉडलर किचन आ गई, तुसी देख सकते हो। ये आ गया अपना पहला रूम अटैच वॉशरूम, और दोस्तों ये आ गया अपना सेकेंड रूम अटैच वॉशरूम, और ये आ गया अपना LED पैनल, ये आ गया अपना डाइनिंग एरिया, वो आ गया अपना सिटिंग एरिया। सारे च मार्बल लग्या होया और डिजाइनिंग प्रॉपर की हुई, पट्टी पाई हुई है, तुसी देख सकते हो डिजाइनिंग दी। तो दोस्तों हुण आपां उपर चल के देखते इस कोठी नूं। प्रॉपर ग्रेनाइट लग गया तुसी देख सकते हो, और ग्रास दी ऑप्शन दिती हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास है, और आ भी सारी टाइलिंग्स हुई हुई हैं, प्रॉपर ग्रिलिंग हुई हुई है। ऊपर का व्यू देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू हैगा, ग्लासेस नाल बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, और आ सारी टाइलिंग्स लगी हुई हैं दोस्तों। आ गया अपना फर्स्ट फ्लोर, सेम ऊपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है। हुण दोस्तों इहदे विच 3 रूम्स करते हैं, सेम मार्बल लग्या होया है। आ सिटिंग एरिया हो गया एल ते यू शेप दे विच, आराम नाल सोफा लग जाता, उपर 2 फैनस लगते हैं, ये आ जाती मेन एंट्रेंस। तो दोस्तों आप चलते हैं हुण अपना थर्ड रूम दे विच। आ थर्ड रूम आ गया, सेम LED पैनल बनया, बट रूम साइज काफ़ी बड़ा निकलिया है, इन्हू 3 रूम च कन्वर्जन किया, पिछे वॉलपेपर लग्या। रूम देख सकते हो बहुत खुला हैगा दोस्तों, बैड लगन तो बाद बहुत जगह बचती है। अगर कोई बच्चा अपने लिए स्टडी करना चाहता है, स्टडी रूम बनाना चाहते हो, तुसी उस कन्वर्ट कर सकते हो, गैस्ट रूम बना सकते हो इसनों, और इस शीशे तो प्रॉपर सनलाइट आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये आ गई अपनी मॉडलर किचन, सेम कॉन्सैप्ट हैगा जो आप उपर देखा सी, नीचे सेम कलर वही सेम कॉम्बीनेशन है, मॉडलर किचन है, और गीजर की ऑप्शन दिती हुई है, एक्वागार्ड की ऑप्शन दिती हुई है, बट ये क्रॉकरी स्टैंड नहीं है, नीचे दिता हुआ सीगा, और पार्टीशन दे विच थोड़ा जिहा वुडवर्क चेंजिज़ हैगे हैं जो कि नीचे सीगे और थोड़े जिहे उपर नहीं दिते। तो दोस्तों ये आ गया अपना फोर्थ रूम, ये बेसिकली 5 BHK बन जाती है। आ रूम तुसी देख सकते हो बहुत बड़े रूम्स है, सेम मार्बल लग्या होया, सेम जो नीचे वॉशरूम सीगा वही साइज है वॉशरूम का, 2x4 की सारी टाइलिंग लगी हुई है टॉप तक। आ जाता अपना सेम कॉन्सैप्ट हैगा दोस्तों, सनमाइका भी लिटिल बिट मैच है, जो नीचे सीगा सेम सनमाइका दिता हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप चलते हो हुण फिफ्थ रूम च, बेसिकली ये 5 BHK बन जाती है, उपर 3 रूम्स है, नीचे 2 रूम्स है, ये आ जाता फिफ्थ रूम, उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, सेम अटैच वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम भी जोड़ा है टॉप तक टाइलिंग हुई हुई है, और सेम तुसी देख सकते हो आप प्रॉपर जो है वुडन फ्लोर है और LED पैनल बनया हुआ है, और पिछे भी वॉलपेपर लग्या हुआ है, ये वुडन च दिता हुआ इनू। बाकी रूम च मैं सारी टाइलिंग मार्बल देखा सी, इहदे विच मैं सिर्फ टाइलिंग सिस्टम देख रहा एक रूम दे विच। ते दोस्तों 5 BHK कॉन्सैप्ट है, सेम इहदे विच भी तुसी देखोगे कि ड्रैसिंग दे विच भी कपबोर्ड्स बनी हुई है, नीचे भी 2 बॉक्सिस दिते हुए हैं। तो दोस्तों ए सीगा अपना थर्ड रूम, एक बार फिर दिखा दिंदा, आ थर्ड रूम आ गया, आ मॉडलर किचन आ गई, और ये दोस्तों फोर्थ रूम अटैच वॉशरूम आ गया, वॉशरूम 4 है, और दोस्तों ये आ गया फिफ्थ रूम अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों कोठी बहुत अच्छी बनी है, मेरे को होर भी बहुत सारी कोठीज़ है, 50, 60, 70, 75, 80 लाख तो शुरू हो जाती है। इस कोठी की जी आस्किंग हैगी है 1.25 है, 1.25 आस्किंग है, बाकी बैठ के नैगोशिएबल है। अगर कोई दोस्त इस कोठी बारे होर जानना चाहता है, मैनू इमीजिएटली कॉल करन,
7986051479 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।